तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले सुपर ऑसम होने वाला है, लेकिन शुरुआत इसकी काफी धीमे होने वाली है। मतलब कभी कभी कुछ आप ऐसे गेम खेलते हो जिसमें ऐसा लगता है शुरुआत में यार एग्जिट कर दे क्या, नया मैच स्टार्ट करे क्या, लेकिन पता नहीं क्यों आप उस मैच को खेलते हो और भाई वो मैच ऑसम बन जाता है। लेकिन उससे पहले ये देखो जरा मेरी बेवकूफी, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि एक ही गोली बच रही है। अब मेरे पास क्या था, एक स्नाइपर, एक शॉट हक दी, दूसरा मौका नहीं मिला। उसके बाद इसको भी बचाने आया था बट हम दोनों खत्म हो गए। अब इसको भी कह रहा था कि ये गेम एग्जिट करके दूसरा स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा नहीं यार खेलते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अब हमको लूटना था, सबसे पहले हमको यासनाए को लूटना था, यहाँ से गाड़ी उठा के जल्द से जल्द हमको आइलैंड के पास जाना था, क्योंकि यासनाए के पास जो आइलैंड बनता है ना वहाँ पर काफ़ी सारे लोग टेलीपोर्टर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमको काफ़ी किल्स मिल सकते थे। और वही यहाँ पर हुआ, सबसे पहले मैं जब इधर लूटते हैं शैक में तो मेरे को एक यूएस का साउंड आया, तो मैंने फायर करके उनको बुलाने की कोशिश करी और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी करा फायर पे। अब हुआ ये कि जैसे ही मैं इस जगह पर आया, जरा तुम वॉच टावर की तरफ देखना, तुमको एक गाड़ी दिखाई देगी। अब जैसे ही मैंने गाड़ी देखी मैं अंदर कूद गया, मुझे लगा कि वॉच टावर के पास वो लोग रुक गए हैं आके। तो यहाँ पर मैंने स्कोबी को बुलाया, मैंने कहा भाई बंदे आ गए जल्दी आ, लेकिन स्कोबी बहुत दूर था। यहाँ मैं और फायर दे रहा था कि शायद वो मेरी तरफ आए, बट यार तभी मेरे को वो गाड़ी दूर पे दिखाई दी। मैंने कहा इतनी जल्दी वो गाड़ी वहाँ कैसे पहुँच गई। वेल जो भी हो, अब मेरे को यहाँ पर उन तक पुश करना था। अब वो बंदे तो मेरे को नहीं दिख रहे थे बट उनकी गाड़ी जरूर दिख रही थी। मेरे को लगा हो सकता है उन्होंने यहाँ पर गाड़ी चेंज करी हो, लेकिन तभी पीछे बॉट आ गया। इस बॉट ने हार्ट फेल दे दिया था मेरे को पता है। वेल जो भी हो, इस पॉइंट मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद इन्होंने गाड़ी ही चेंज करी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे कान बज रहे थे, क्या हो रहा था, मेरे को बीच बीच में फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे। वेल बंदे यहाँ नहीं थे क्योंकि बंदे ऊपर पहाड़ी पे हैं, देखो तुमको दिख रहा होगा एक। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को खड़े होकर यहाँ पर स्प्रे देना था, वो भी रेड डॉट से, फरना एंगल ही नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे भाई ने उसे हेडशॉट बजाया, नॉक कर दिया, वहाँ शील्ड लग गई थी। अब यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि वो अकेला है वहाँ पर, नॉक हो गया, तो मैंने स्कूबी को बोला था कि जब तू उधर से आएगा तेरे को एक बंदा दिखेगा शील्ड के पीछे। लेकिन तभी मेरे को एक और यूएस की आवाज़ हुई और मैं समझ गया उसका टीममेट आ गया है। अब उसके टीममेट को मारना था, प्लस ये बंदा जिसको मार रहा था ना पहले उसको भी मारना था, तो काफ़ी सारा काम था इधर। हाँ देखा देखा। अब यहाँ देखो स्कूबी ने क्या करा इनके साथ, भाई शील्ड तोड़ के इनका घर ही उजाड़ दिया। बेचारे शील्ड के पीछे कितना छुप के बैठे थे। वेल ये जिसको मार रहा था वो मेरे को बहुत दूर पे दिखाई दिया, मौके का फायदा उठा के भाग रहा था, तो मैंने उसको खत्म कर दिया। तभी पीछे बॉट फायर करने लगा, पहले तो मैंने स्कूबी कहा चल बॉट को मारते हैं, लेकिन फिर मैंने एक बात ध्यान दी कि बॉट किसको मार रहा है, वहाँ पर कोई और बॉट होता तो फायर भी करता, तो मेरे को लगा शायद वहाँ पर कोई है, तो मैं उधर चेक करने गया और वहाँ पर मेरे को ये बंदा मिला रोड पर खड़ा हुआ। अब मेरे को पता नहीं ये जो एफके बंदा था ये किसका साथी था, क्योंकि पहाड़ी पे जिसको मारा उसके पास तो उसका टीममेट था। वेल अब हमको एक बात पता थी कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना था आइलैंड के पास, हम सीधा वहीं पर आए। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो हर पोर्टल के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो हमको लगा शायद हम लेट हो गए, अब यहाँ कौन ही आएगा, ज़्यादातर लोग ऊपर जा चुके हैं। लेकिन तभी फायरिंग हुई, अब इसको तो मैंने मार दिया। तभी साइड से फायर हुआ, जब मैंने चेक करा तो मेरे को बॉट दिखा, तो मैं उसे इग्नोर करने वाला था, लेकिन तभी उसे कोई मारने लगा। लेकिन यार मैं किल नहीं उठा पाया है यार, पहले ही मार देना था बॉट को। वेल अब उस बंदे ने लोकेशन दे दी थी और मेरे लिए गए इजी किल थी। तो तुम्हारे भाई के 8 किल हो चुके थे, गेम प्ले की शुरुआत काफ़ी वीक से हुई थी, उतरते ही मर गए थे अपन, याद स्नैप पे के गए थे जहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन अब गेम प्ले पटरी पे आ रहा था। तो मेरे को एक एयर ड्रॉप दिखाई दिया, आमतौर पे इस मोड में पता नहीं क्यों मैं एयर ड्रॉप पे जाता ही नहीं, दिखता ही नहीं, इतना इंटरेंस गेम प्ले रहता है, लेकिन इस बार मेरे को मौका मिला तो मैं एयर ड्रॉप को लूटने गया। अब आमतौर पर AWM तो यार हम डायमंड से ही मंगा लेते हैं, तो AWM मेरे को जब आराम से मिल रही है तो मैं ड्रॉप पास क्यों ही जाऊँ, लेकिन इस बार ड्रॉप ने हमको निराश नहीं करा, इससे मेरे को मिली AWM, लेकिन हाँ 8x मंगाना पड़ता है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखो जब हम यहाँ आए थे तो ये सामने वाले कंपाउंड से फायर हुआ था, अब हम इधर चेक करने जा ही रहे थे कि तभी पहाड़ी में बंदा दिख गया मेरे को एक। अब ये उधर किसी को स्नाइप कर रहा था तो मैंने उसको तो धर लिया, फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि ये टाइम पे पीछे चला गया था। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी को बता दिया कि बंदे दो दो जगह हैं। वेल पहले हमको इनको मारना था जो घर में थे, और तुम जरा बताओ ये हेडशॉट कैसे नहीं है। भाई मैंने तो ADS हेड पे ही लिया था, आई थिंक वो थोड़ा सा हल्का और फायर करते करते मूव करके आगे की तरफ, तो उसे शायद शोल्डर पे पड़ी। वेल जो भी हो उसकी फट जरूर गई थी, तो अब बारी थी रश करने की।
अब देखो इस पॉइंट पे मेरे पास नेट नहीं थे, जो कि मेरे लिए एक डिसएडवांटेज वाली बात थी, लेकिन इसको भी नेट कर रहा था तो मैं जानता था कि ये कूदेंगे नीचे। अब यार मेरे को दूसरा लगा साउंड ही नहीं आया था कूदते हुए, वो तो कोई स्कूबी ने मेरे को टाइम पे बचा लिया, तो एक को मैंने भरा, एक को स्कूबी ने उसके बाद स्मोक करके मेरे को रिवाइव दिया, और तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि उसी टाइम मैं अपनी गन रिलोड कर रहा था, तो जैसे ही गन रिलोड हुई मैंने फायर करा, उनको बताया हम यहाँ हैं, बट उनका रुकने का इरादा नहीं था, लेकिन उनको किसी और ने ही रोक लिया, एक पेड़ ने। अब वो हमसे पिट के भाग ही रहे थे कि तभी कोई और उनके ऊपर फायर करने लगा। अब इसको हम दोनों ने मिलकर डैमेज कर रखा था, तो यहाँ पर मैंने EWM निकाला, मुझे हल्का सा बस उसका बॉडी पार्ट चाहिए था, उसने अपना पैर दिखा दिया, भाई छंगुलिया दिखा रहा था पैर की, वेल जो भी उसे नॉक कर दिया था। अब बारी थी पुश करने की, और तुमको अगर याद हो तो एक बंदा मैंने पहाड़ी पे नॉक करा था, वो अपने आप ही फिनिश हो गया था, लेकिन उसका टीममेट वहीं कहीं था, अभी तुमको दिखाऊंगा वो भी। वेल ये स्मोक हो गया था, तो मतलब इसे कोई रिवाइव दे रहा था, तो मैं उतरा। ओ भाई दोनों बंदे जो मरे ना, इनको मौका भी नहीं मिला फायर करने का, दोनों एक गोली नहीं चला पाए हम पे। वेल जब मैं गाड़ी लेके यहाँ से निकल रहा था, तो मेरे को दूर एक गाड़ी दिखाई दी, तुमको याद होगा एक गाड़ी बच गई थी ना, ये वही गाड़ी थी। अब ये गाड़ी पता नहीं क्यों हमारी तरफ आई, तो यहाँ पर मैंने अपना अजम्पशन लगाया और मैंने बोला ये यहाँ पर आके पहाड़ की गुफा पे रुकेगा, और भाई वो वहीं रुका। अब हमने इसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए कि अगर ये भागे तो जल्दी भाग ना पाए, और उसके बाद अपन पुश करने लगे। हमारे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि अंदर ना घुस जाए कहीं, वरना मिलने वाला नहीं है। बट बंदा बहादुर था, वो हमसे लड़ने आया, और उनको पता है क्या हुआ उसके साथ। हाँ अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए एयर ड्रॉप पे, पता नहीं क्यों शायद मेरे को लेवल 3 वेस्ट चाहिए थी। यहाँ पर मेरे को किसी के पैरों का साउंड आया, मैं जब तक कुछ ही समझता यहाँ पर गाड़ी का साउंड आ गया। अब ये गाड़ी वाले फुल लड़ने के मोड में थे, इन्होंने गाड़ी ऊपर ली और एंगल बनाने लगे। अब मैं जानता था यहाँ हम ढाल पे उनसे लड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी ले जाने लगा, लेकिन तभी मेरे को फिर किसी का साउंड आया। मैं पे कोई मार्क नहीं आ रहा था, मैंने स्कूबी का यार स्कूबी यहाँ कोई तो है, शैक में कोई तो है, चल एक बार चेक करते हैं। स्कूबी कह रहे थे उसे कोई साउंड नहीं आ रहा है, बट मेरे को बहुत डाउट था, प्लस ऊपर बंदे अभी भी थे। अब ये स्कूबी को मारने निकला, मैंने इसको मार दिया। तुमको याद होगा एक गाड़ी गई थी ऊपर की तरफ, वो बंदे रुक गए थे, उन्होंने फायर भी करा था, बट अब वो पीक ले रहे थे, और ये दोनों स्नाइपर्स थे। अब देखो यहाँ पर अब तुम देखने वाले हो एक प्रॉपर स्नाइपिंग कैसे करते हैं एक स्नाइपर के अगेंस्ट। यहाँ पर मेरे को पता था उसके पास EWM है, उसको पता है कि मेरा हेड कहाँ पर आएगा जब मैं पीक दूंगा, तो यहाँ मेरी पीकिंग देखो। मुझे पता था कि वो प्रीएम करके बैठा होगा, तो यहाँ मैं क्या कर रहा था, मैं जिगलिंग कर रहा था, मैं उसे कंफ्यूज कर रहा था कि कब मैं शॉट लूंगा, और उसी दौरान अपना एम भी एडजस्ट कर रहा था और उसको नॉक दे दिया मैंने। अब उसका दूसरी स्नाइपिंग कर रहा था, उसने हमारी गाड़ी पंचर करी, हमारे पर फायर भी करा। अब मुझे नहीं पता इस पॉइंट पे क्या हुआ, पहले तो वो फुल हमको मारने के मूड में था, लेकिन ये एकदम से उछलने लगा। वेल सच बोलूं तो यार हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने उसको मार दिया, मैं गुस्से में था कि पहले क्यों फायर करा हमारे ऊपर जब मैंने तुम्हारे बंदे को नॉक दिया था, लेकिन जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तब मेरे को रियलाइज हुआ यार फिर भी उसने काफी उछला था, मेरे को उसे छोड़ देना चाहिए था, यहाँ पर मेरी गलती थी। भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी यार, क्या बताऊँ, लोग इतना ज्यादा स्कैम करते हैं ना कि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्या बात है फारूक भाई, आजकल कहाँ कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पर आया डबल बैन हाउस के पास, और भाई यहाँ पर भी बंदा था। अब उस बंदे ने हमारे पर फायर करा था, तो मैंने गाड़ी दूसरी तरफ ली, लेकिन यहाँ पर एक भाई एक गाड़ी आ गई। अब यहाँ मैं हेल्थ ना लगाता, लेकिन मैं तो मान के चल रहा था कि ये दो बंदे हैं, लेकिन यार ये एक ही बंदा था, तो एक तो स्कूबी ने उठा ली किल, अब दूसरे वाले को हम छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन भाई ये बंदा तो बम्बर था। पॉप खोलोगे बताओ, मैं ऊपर में जाऊँ तो
अब इसको भी कह रहा था यहाँ पर मैं उसके ऊपर मतलब एडीएस खोल के रखूँ ताकि ओपन में जाए तो मैं स्नाइपर शॉट ले लूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार पुश करते हैं उसके ऊपर। तब उसने एक नेट डाला, हम दोनों की हेल्थ खत्म भाई। अब यहाँ मैं हेल्थ लगा रहा था तभी एक और नेट आया, मैंने इसका मैं खत्म भाई, लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। अब इसको जब पुश कर रहे थे तो पीछे एक गाड़ी आ गई, अब मैंने उसको तो मार दिया। अब यहाँ मैं सोच रहा था गाड़ी जो है वो टावर की तरफ चली गई, मॉन्स्टर वाला जो टावर होता है, बट यार ये उधर नहीं थे। और तभी पता नहीं कहाँ से मेरे पर फायर हुआ, अब मेरे ऊपर दो तरफ से फायरिंग हुई, मैं कंफ्यूज हो गया। वेल मैंने पहाड़ी पे गाड़ी देख ली तो मैंने उधर ही एडीएस लिया और एक बंदा मेरे को प्रोन दिख गया तो मैंने उसे नॉक दे दिया। अब जब तक मैं उसके ऊपर फॉलो अप शॉट लेता पता नहीं उतनी जल्दी कैसे पेड़ के पास पहुंच गया, यार बंदे कितनी तेज मूव कर रहे। और तभी एक स्नाइपर से नॉक हुआ, बॉडी शॉट थी, हेडशॉट नहीं थी, बट लोयल था और सैड लाइफ।